सो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और फाइनली मिस्टर यूनुस खान इज़ हेयर, जिनका सबको बेताबी से इंतज़ार था। यूनुस खान, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, give a big round of applause. लेकिन यूनुस खान की एक बात है कि ये आए जिसको भी जाने के लिए आखिरी बंदे होंगे, तो किसी को बात करनी हो, ऑटोग्राफ लेना हो, ही इज द ओनली पर्सन दैट आई हैव एक्सपीरियंस विल बी द लास्ट पर्सन टू लीव। तो मतलब आप फंस गए, लेकिन हमने ये साबित भी किया। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे प्लेयर भी मौजूद हैं। सो अब यहाँ पर यूनुस खान के कैरियर और उनके अचीवमेंट के हवाले से और डाइवर्सिटी कप के हवाले से ऑडियंस के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर की गई। पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, श्रीलंका से हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं कि मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं स्पोर्ट्स से दूर जाऊँ, दूर रहूँ, क्योंकि खासकर जब आपका एक कैरियर होता है तो बहुत कैरियर में अपने डाउन्स होते हैं, बहुत सारी थोड़ फोड़ होती है आपके जिस्म में, आपके दिमाग में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्रिकेट में ही अपने आप को प्रेजेंट ही ना करूँ। मैं ऐसा हूँ जैसे मैं काम इंसान हूँ जो कि लाइन में लग जाए, जो कि ग्रोसरी करना चला जाए, जो कि जाएँ तो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर चले जाए, बाद में अगर उनको तो पैम्पर करने की जरूरत पड़े तो पैम्पर करने की जरूरत होगा। लेकिन ये कि जिस तरह से आपके एक्ट मुझे मिलते हैं गाय बगाए, चलते फिरते रोडों पे, प्लेन्स में, रेलवे स्टेशन के बाद ग्राउंड में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपने हीरोज़ को सिर्फ ये नहीं कि क्रिकेटर्स हीरो होते हैं, वो लोग जो कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हाई स्टेज पे जाके जब उनको मौका होता है, और हमें भी मुझे बारह ही मौका मिला। मैं बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये मौके बार बार मिले, जो कि मैं बात पर डिजर्व भी नहीं करता था कि मैं पाकिस्तान टीम में हूँ, लेकिन मुझे वो मौके मिलते रहे। लेकिन मैंने ऑनेस्टली कोशिश की कि मैं अपने आप को अच्छा एक पाकिस्तानी प्लेयर लोगों के सामने पेश करूँ और हमको इंस्पायर करें। तो जिस तरह आप लोग मुझे इंस्पायर करते हैं और जिस तरह मुझे इंस्पायरेशन मिलती है, मैं भी कोशिश करता हूँ चलते फिरते सबसे पहले मैं अपनी फैमिली से, अपने बच्चों को इंस्पायर करूँ, फिर मैं अपने गली मोहल्लों में और जहाँ जहाँ मेरी ट्रैवल हो सबको इंस्पायर करूँ। बहुत शुक्रिया शायद भाई, खास तौर पर ग्लोबल स्पोर्ट्स का, कि उन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। और ये मेरे ख्याल से हमारी थर्ड हमारी मीट हो रही है यहाँ पे, लेकिन इस दफ़ा इस डाइवर्सिटी कप के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। इससे पहले भी हमारा प्लान बने, लेकिन कोविड-19 ने हम सबको जिस तरह तंग किया और हमारे डाइवर्सिटी कप को भी डिस्टर्ब किया, लेकिन फाइनली मैं यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, कम्युनिटी बहुत अच्छी लग रही है। और जिस तरह मैं यहाँ देखता हूँ जो पैशन है हम सब में, और क्रिकेट को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, पाकिस्तान को लेके, US को लेके, तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग है हम सब की, पाकिस्तान और US और खासतौर पर जिस तरह यहाँ पे डिट्रॉयट में जब आया तो बात लगता है कि शायद आप ऐसे एक सिटी में आते हो जहाँ पे अपनी कम्युनिटी नहीं होगी, लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया, रेस्टोरेंट में गया, शॉपिंग में गया, मुझे अपनी कम्युनिटी बहुत अच्छी ज़्यादा लगी और बहुत ज़्यादा मिली। बहुत अच्छी बात है कि तरह की बॉन्डिंग सब होनी चाहिए। और इंडिया टीम के लिए बात करूँ तो शायद मुझे 1 मिनट देर तक बना 5 मिनट रह गया आपके, तो इंडिया टीम में ये बात करूँ कि बॉन्डिंग बना के रखें, कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ हम सबको इंस्पायरेशन अगर हम इसको कर सकें। सबसे पहले अपनी फैमिली से शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें, अपनी फैमिली से शुरू करें, उसके बाद अपने सिबलिंग से शुरू करें, और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें मौका मिले तो हम ये इंस्पायरेशन एक दूसरे को दें। क्योंकि देखिए ये इसी तरह है कि अगर हम एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे तो उसमें हमारी भी बैटल होगी, तो वो पर्सन बने जो सबसे आगे इनिशिएटिव है। मैं हमेशा जब भी मैं कहीं जाता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं ज़रूर को ये बात कहता हूँ कि एक दूसरे को इंस्पायर करें, उसके बाद इनिशिएटिव लेना बहुत सोचना है हमारे, क्योंकि ये इनिशिएटिव लेना ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई बहुत बड़ा जहाज़ बनाना है या बहुत बड़ी कोई चीज़ बनानी है। ये इनिशिएटिव हल्के हल्के इनिशिएटिव से, चाहे वो किसी के लिए थैंक यू के शक्ल में इनिशिएटिव लेने, किसी को एक्सक्यूज मी के लिए इनिशिएटिव लेने, या किसी को जब रास्ता दे रहे किसी को अच्छा गाइड कर रहे, छोटे छोटे इंस्पायरेशन या छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अपने लाइफ में लेने। और खासतौर पर देखो कि हम बेदरक सब कुछ कह देते हैं, तो मेक श्योर कि हम बात करने से पहले थोड़ा सा ख्याल करें कि यार हो सकता है कि मेरी बात करने से कुछ आगे क्या उसका रिएक्शन। मेरे ख्याल से हमें कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेने हैं, छोटे छोटे इंस्पायरेशन लेने हैं हम अपने आप से, और इवन अपने आप को भी इंस्पायर करें। मैं बहुत देखता हूँ लोग बाजू मुझसे पूछते हैं कि भाई ये फिटनेस का क्या है, तो मैं उनसे कहता हूँ यार आज पसंद नहीं है, एक पूरे 24 घंटे हम 24 घंटे में अगर 15 या 20 मिनट भी अपने आप को ना दे सकें तो मैं मेरा खुश नहीं हूँ। तो अपने आप को भी इंस्पायर करें। अगर हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कि यार आज ये फिर काम करना है, तो वहाँ ये इंस्पायरेशन नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे बड़ा काम भी कर सकें। नहीं भाई, हमने ये इंस्पायरेशन ले ली, नहीं बोला कि हाँ मेरे सामने बैठे, और मैं पिछले 2-3 दिन से इनके साथ हूँ, मैं उनको बहुत ज़्यादा ये मुझे इंस्पायर कर रहे हैं, मैं उनको इंस्पायरेशन दे रहा हूँ कि हमें छोटी छोटी इंस्पायरेशन में करें। तो मेक श्योर कि हम अपने आप को भी इंस्पायर करें और हम अपने लिए भी इनिशिएटिव लें। और इनिशिएटिव क्या है कि भाई सुबह में थोड़ी सी जॉब कर ली, थोड़ी सी ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद अच्छी सी मील खा ली, और उसके बाद अच्छे से कपड़े पहन लिए। तो मेरे ख्याल से हमें इसी तरह दूसरे को इंस्पायर करना है। या मेरे कलीग बैठे हुए जलाल भाई, जहाँ भी सर हमने आज दोपहर में बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन की बातें की, कोचिंग की बातें की, स्किल्स की बात की, टीम के साथ हमने बहुत ज़्यादा बातें की। तो मेरे ख्याल से ये आपको हमको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। अगर बात हो सकता है कि हम जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे उसको हो सकता है कि वो आगे से भी हमसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि आगे से भी वो हम उसको एग्री ना कर सकें, तो उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। मुझे कहते हैं ना कि आजकल हम सब में एक बड़ा एक है कि घबराना नहीं, तो ये बिल्कुल हमें कोई भी बात घबराना नहीं चाहिए, और हमें बस यही आपको रिक्वेस्ट है, आपको यही मेरी सजेशन है कि मेक श्योर कि हम लोग उसको इंस्पायर कर सकें। एंड एंड में शायद भाई बहुत शुक्रिया, जिस तरह आप जब मैं आपसे बोलता हूँ और जब मैं आपकी स्पीच सुनता हूँ मैं बड़ी कॉपी करने की स्पीच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं वो आज भी उसी तरह कराची में रहा हूँ, तो मैं धड़क धीरे-धीरे बोलना शुरू करता हूँ। मैं बड़ा आपसे इंस्पायर हूँ कि जब आप स्पीच करते हैं ना, जब आप बात को ऐसे चबा चबा के बात करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह आप सबको इंस्पायर करें और मुझे बुलाते रहें, मैं कोशिश करता रहूँगा। बेगर ख्वाजा से आप यहाँ बैठे हैं, मेरा करियर बनाने में ब्रिगेडियर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं पहले दिन आया उनके सामने बहुत ज़्यादा हम लोग प्लेयर थे कि मैं माइसेल्फ शायद अपने लिए एक ओवर प्लेयर जो कि क्रिकेट साहब बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, हमारा बहुत ख्याल करते थे और उनको ये पता था कि ये प्लेयर ऐसे हैं जो कि इस टीम को लीड कर सकते हैं, बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने नोटिफाई किया है इनके साथ उनके अंडर में, लेकिन ये हमेशा हमें अपने भर के नीचे संभाल के चलते थे। सर आपके एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आज खड़ा हुआ मेरे बैंक में जो 10,000 बात करते हैं तो ये सिर्फ मैंने तो सिर्फ मुझे वो अल्लाह के वसीला बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे लोग जो कि वाकई में हेल्प करते हैं और आपके लिए खड़े होते हैं और ये जो बात करते हैं सबका जारिया है। से जिस तरह की ये सबके जारिया है, ये इनिशिएटिव है कि हम सबको जो है जैसे पहले बात कर रहे थे हमें करने हैं, ताकि हो सकता है कि वो जो पर्सन जिसके लिए हम खड़े हुए, जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, हो सकते हैं कि वो आगे जाके हमारा पाकिस्तान का या हमारी कंट्री का नाम रोशन कर सकें। मेरे ख्याल से हमें किसी की हेल्प करने में देर नहीं करनी चाहिए और हमें ज़रूरी है कि वो मेरी तरह पठान हो तो पठान को सपोर्ट करो। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जो भी प्लेयर, जो भी पर्सन कम्युनिटी में अगर डिजर्व करता है और उसके पास वो स्किल्स हैं, हम उसको उसकी स्किल्स को हमें उसको अप्रिशिएशन करनी चाहिए। हो सकता है कि वो प्लेयर आगे जाके या वो पर्सन आगे जाके वो बहुत बड़ा काम करता है या बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है तो उसमें फिर हमारा भी हिस्सा हो। मेरे ख्याल से अब मैं आपने कैरियर की बात करूँ, ग्रेड ख्वाजा साहब की बहुत बड़ा इसमें एक सर के इनिशिएटिव में सर का रोल है कि मैं आज आपके सामने बताऊँ। बहुत शुक्रिया इंडियन में और आप लोगों का बहुत थैंक यू, आपका बहुत थैंक यू कि आप लेके आए हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, क्रिकेटर्स के लिए। आप क्रिकेटर्स हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम जिस टीम को जिस कंट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से इंस्पायर कर सकें। तो कि हम जिस तरह अगर हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें पाकिस्तान की तो स्टिल बहुत बेटरमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा बेटरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हम कुछ कुछ जगहों पर स्ट्रगल करते हैं। ये प्लेयर जब आपके सामने आते हैं तो मेक श्योर कि हम प्लेयर जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर भी हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अपने ख्याल से हमें दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए और मैं आपको ये शो भी देता हूँ कि प्लेयर जब भी खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, अपनी फैमिली के लिए खेलते हैं, अपनी सेल्फ के लिए खेलते हैं। तो मैं भी अपने प्लेयर्स को यही कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपकी एनर्जी बच जाए तो फिर अपने सेल्फ के लिए खेलना। तो मैं यही वो बातें थी या वो पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करना। इंडियन में मैं फिर आप लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग सब हमारे लिए डाइवर्सिटी कप के लिए इस डाइवर्सिटी कप को सपोर्ट करें। ज़रूरी है कि आप स्पॉन्सरशिप के बदले इसको सपोर्ट करें, ग्राउंड आए, ग्राउंड में आप इसको सपोर्ट करें, अपने बच्चों को इंस्पायर करें कि वो क्रिकेट खेलें, स्पोर्ट्स खेलें, ताकि कल जो दोबारा डाइवर्सिटी कप हो, मैं जब दोबारा बूढ़ा हो गया यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे और जवान लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया। सो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यहाँ पर मौजूद ऑडियंस और यूनिस खान के माबेन बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A हुआ, जिसमें बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सवाल ऑडियंस की जानिब से किए गए और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब यूनिस खान की तरफ से दिए गए। तो क्या आपको फ्यूचर में कोई प्लान है यहाँ पे सेटल होने का और अपने एक्सपीरियंस को यहाँ तक यंग जनरेशन में ट्रांसफर करने का, जैसे कोई एकेडमी वगैरह खोलने का? टाइम चाहिए या मैंने कभी इसके लिए इतना सीरियस नहीं हुआ मैं, लेकिन मैं अपना बात करूँ 4 साल में मैं काफ़ी यहाँ पे आया हूँ और टूर्नामेंट्स के लिए मैं आया हूँ। कोचिंग का कोई असाइनमेंट अभी तक आया नहीं है। जहाँ भी से लास्ट टाइम मेरी बात हुई इसको डिटेल्स में बात हुई कि हम एक आध मैच खेलने का मिला, जाहिर बात है बड़े बड़े प्लेयर थे वहाँ पे। PWD के स्पोर्ट्स ऑफिसर हमारे मोहल्ले से गुजरते थे, सिद्दीकी साहब, तो उन्होंने तो उनकी वाइफ मेरी अम्मी की फ्रेंड थी, तो कहते थे ये अच्छा हम हर गेम खेलता था मैं। आप आजकल के दौर के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते जो गेम हमने खेले हैं अपने दौर में। तो मैं सॉकर भी खेलता था, फुटबॉल कहते हैं, वो अपनी वाइफ को भेजते हैं मेरी अम्मी के पास कि इसको सॉकर की टीम में डालना है। अम्मी ने कहा मैंने इसकी जान देखी है, किसी की एक टक्कर से ये ग्राउंड से बाहर चला जाएगा। खैर भारत थोड़ी बहुत 2-4 मैच खेले PWD से। तो डॉक्टर साहब आपकी बारी है। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके पूरे करियर में कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर या कौन सा ऐसा स्पिनर जिसने आपको हार्ड टाइम दिया खेलते हुए मोहतात हो गए? डॉक्टर साहब वैसे तो सारे बॉलर्स ही ऐसे थे कि उनको खेलते बहुत ज़्यादा मोहतात की ज़रूरत होती थी, लेकिन 2 बॉलर मेरे ऐसे करियर में थे। एक तो स्पिनर मुतैब उल दर्न को जब भी खेला तो आसान नहीं था, क्योंकि मेरे करियर में अगर मैं अपनी बात करूँ तो टीम श्रीलंका के खिलाफ काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं मेरी, लेकिन मुतैब उल दर्न को जब भी खेला तो उनको आसान नहीं था खेलना। उसके बाद अगर मैं मैकग्राथ की बात करूँ, मैकग्राथ को जब मैं 2002-2003 में जब मैं उनके खिलाफ खेले तो वो उस वक्त उनका कैरियर का हाफ तो निकल गया था। थैंक यू। मेरा यूनुस खान से एक सवाल है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट कोचिंग के लिए यूनुस खान को उन्होंने बताया क्रिकेट में सबको पता बहुत खेलिए, उसमें उन्होंने 7 साल में लेवल 2 के सर्टिफाइड कोच लिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं ये कोच मतलब कोच हूँ, मैंने भी सर्टिफिकेशन की है। इनसे मेरा सवाल यह है कि क्या क्रिकेट खाली खेलना काफ़ी है, या अगर आप ये कोच आपको सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत है अगर आपने कोचिंग करनी है? ये दोनों चीज़ें अलग स्किल हैं, तो उसके लिए आपकी ओपिनियन क्या होगी? जहाँ भी देखिए ये डिबेट अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 साल से ये डिबेट हो रही है, खासतौर पर पाकिस्तान में होती है। बाहर में किसी लोग को देखी नहीं ये डिबेट होती है, वो कहते हैं कि क्वालिफाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत सारे ये डिबेट करते हैं कि क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स की होनी चाहिए, लेकिन नॉलेज क्या है? नॉलेज पावर है। तो ये जो हम कोचिंग कोर्सेज की बात कर रहे हैं या स्पोर्ट्स कोचिंग कर रहे हैं, नॉलेज ही तो है, तो ये क्या बुरी बात है? तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपके पास एक, मैं जब तक क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मेरा बॉब वुलवर मुझे हमेशा कहते थे कि भाई तुम कोचिंग कोर्सेज करो। तो मैं कहता यार बॉब मैं कोचिंग कोर्स कुछ नहीं होता, मैं भी उन लोगों में से था शुरू में। There is a funny question for you, please. सुना है आपको फिशिंग का बहुत शौक है, तो किस तरह की मछलियों का बैठने का शौक है? वैसे तो 2 किस्म की मछलियाँ हैं इस दुनिया में, एक जो जमीन पे होती है और एक पानी में। तो मैं बाबी सुने क्या कह रहे हैं। और देखिए इस बात को करने के लिए दुर्गुण की जरूरत है, फिर क्या बैठेंगे आदि में। बिल्कुल मैं बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि पानी वाली मछलियाँ हैं नोट को ही पकड़ता हूँ। मेरे ख्याल से देखिए सबसे फेवरेट अगर सेंचुरी की बात करूँ तो 45 सेंचुरी अगेंस्ट श्रीलंका बैक 2000 में, क्योंकि वो उस सेंचुरी की वजह से मेरा नाम दुनिया में हुआ। और अल्लाह ने बहुत करम किया कि मैं पहले ही टेस्ट मैच में नहीं, उससे अलग पहले सेंचुरी बनाई। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी एक इनिंग की बात करूँ जिससे मुझे लगता है कि अगर यूनिस खान की इसने बैटिंग देखी तो वो एक ऐसी इनिंग है जिसमें अगर आप वो देखें तो वाकई में मैं इसी तरह खेलता था, लेकिन फिर वो स्टाइल जो है टीम की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो मैं अपना स्टाइल चेंज करता रहा और मैं अपना गेम जो कि खुल के नहीं खेल सका। 2002-2003 अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑकलैंड 149 रन की इनिंग है। कभी मौका मिले तो ज़रूर आप उसको देखें, उसको वॉच करें, तो वाकई में आपको लगेगा कि यूनिस खान तुमसे ही यूनिस खान इतना काम करते हैं कि मैं इनका जितना शुक्रिया अदा करूँ वो काम है। और यूनिस खान इनकी पर्ची भी काफ़ी लगाते हैं। बहरहाल मैं चाहता था कि आप इनको रिकगनाइज करें और इनको बहुत ज़्यादा इनको गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। भाई है अनवार और अनवार भी मेरे पहले कोच थे। जब मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की है बैक कराची में, इट वॉज इन बैक 1991-92, तो इनके भाई मेरे कोच थे और अनवार भाई जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे पाकिस्तान के, सिर्फ प्रोफेशनल के लिए खेलते थे, कराची के लिए खेलते थे। और उन्हीं की मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे पहले कोच थे, जो मुझे थोड़ी बहुत डिस्टेंस नज़र आती है वो उन्हीं की है। वो भी एक स्ट्रॉन्ग बैटर थे और मैंने उनकी कोचिंग में बहुत कुछ सीखा। थैंक यू अरे भाई, आपकी फैमिली का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मुझे कोच किया। सब कुछ कहना चाहेंगे, थैंक यू यूनुस के आपको तकलीफ लाते हैं भाई, आप आ जाते हैं, बड़ी मेहरबानी। अगर आज के जी यूनुस भाई आपसे क्वेश्चन है कि मैंने कहीं सुना या पढ़ा था कि आपको मॉडलिंग का शौक़ है और एज ए ऑल्टरनेट कैरियर, फिर मैंने कुछ आपकी वीडियोस बड़ी टॉप नॉच मॉडल्स के साथ देखी और वो बड़ी पॉपुलर भी हुआ, तो वो पता नहीं आपकी फैमिली ने देखी या नहीं देखी, लेकिन फोटो देखी हुई है, एक को जानती है। अच्छा अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आपको मॉडलिंग की ऑफर हुई थी ऑफिशियली, तो आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे यहाँ का वो एक अच्छा ऑपरेटर था या है? नहीं बिल्कुल, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी कि वो सारे एक्टर्स, सारे जो मॉडल्स थे वो तो ज़्यादातर जब आप क्रिकेट खेलते हो तो उनसे मिलना भी होता है, और क्योंकि क्रिकेट और ये जो शोबिज़ है ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, खासतौर पर पाकिस्तान में। मेरे पास ये ऐसा मौका था घोषणा की थी, लेकिन मेरी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। मेरी प्रायोरिटीज़ ये थी कि मैं कोई 100 टेस्ट मैच खेलूँ पाकिस्तान में। आप माशाल्लाह वेरी ओबीडियंट एंड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं MYGD के लिए, और आज के डिनर की सारी तैयारी और प्रेजेंटेशन जो है वो कॉफ़ी कम, तो शहाब को कम से कम कॉफ़ी कप तो मिलेगा। कॉफ़ी तो इसमें असर भाई पिएंगे, लेकिन ये है कि आई वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज दिस यंग मैन, प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सो अब एक बैट की ऑक्शन की जा रही है कि जिसपे यूनुस खान अपनी सिग्नेचर करेंगे और जो विनर होगा इस ऑक्शन का उसका नाम इस बैट पे लिखेंगे। हम इसको 1200 से करते हैं, तो डिस्काउंट के साथ $1300 कुछ तो ख्याल करें यार। पहला बंदा भी टोली को चला गया था और ये बंदा भी टोली को जा रहा है। 1501, 1502, 1503, thank you for big round of applause. Come on, wow. Thank you, Umar. Thank you, nephew. Beta, turn around. There you go. Shiraz, please, please. I have heard so much of you, but I did not know that आप Shiraz. Nice to meet you. Please Shiraz is a unique person. I think he is sponsoring and supporting. I have with me Younis Khan. Younis Khan के जो यूनिस भाई हैं उनके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सो आपसे मेरे कुछ सवाल हैं क्रिकेट के हवाले से। नहीं, क्रिकेट के लिए तो आपसे हर कोई सवाल करता है। क्रिकेट के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया? आपकी ज़िंदगी में चेंज आया? आप देखिए, मैं बहुत कोशिश की कि ज़िंदगी में चेंज आया, लेकिन आज भी बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मेरे फ़ैन मिलते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो जो अभी भी समझते हैं कि शायद मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो अभी भी मुझसे कहते हैं कि आप कब मैच कब है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी वो समझते हैं कि मैं करंट प्लेयर हूँ। मे भी मेरी फिटनेस की वजह से, लेकिन या उस मोहब्बत की वजह से, या वो नहीं चाहते कि मैं वो जाऊँ। तो मैं चेंज, हाँ चेंज ये आया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा ट्रैवल ना करूँ, फैमिली मैन पर्सन बन जाऊँ। अब अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए मैं वो रोल अदा कर सकूँ जो कि मैं 17-18 साल में नहीं कर सका। तो ये है कि मुझे थोड़ा बहुत ठहराव आ गया है, ये एक चेंज आप कह सकते हैं कि मुझ में आ गया। डाइवर्सिटी कप के हवाले से आप क्या बोलना चाहेंगे? जी देखिए, 17 एनुअल डाइवर्सिटी कप के लिए सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर ग्लोबल स्पोर्ट्स ने इनवाइट किया, मेरी फैमिली को इनवाइट किया, मेरे यहाँ पे दोस्त आए हुए हैं। तो ये एक सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये लेका एक आप कह सकते हो कि एक फेस्टिवल है। मेरे ख्याल से ये जिस तरह शाहिद अहमद ख़ान इसको एक रन कर रहे हैं, तो ये जो इसकी जो अच्छी बात है कि एक फेस्टिवल है, यहाँ पे आपके दोस्त आते हैं, आपकी टीम्स आते हैं, आपके कलीग्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच यूनिस भाई। थैंक यू। सो आखिर में यूनिस खान ने यहाँ मौजूद जितनी भी टीम्स थी उनके साथ ग्रुप फ़ोटोज़ लिए, अपने मद्दाहों को ऑटोग्राफ दिए और उनके साथ भी पिक्चर्स ली। फिर वो आए थे जो स्मिथ के साथ ओपन करते थे। अभी कौन है? अब नहीं, वो चले गए। अभी भी साउथ अफ्रीका के, बट ही इज नॉट। मेरे पास आई थिंक इट वुड बी एन ऑनर। वो बहुत अच्छा होता है मेरे लिए कि सारे सबको लैंग्वेज का बाल और सब काम मेरे साथ ही है। एक और क्वेश्चन है, बांग्लादेश से आपके लिए सबसे डिफिकल्ट बॉलर कौन था? मैं जब खेलता था तो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे रज़ाक। हमेशा मैं दो तीन दफ़ा मुझे आउट किया होगा। अच्छा, या मुझे मुश्किल लगते थे वो। माय डैड एंड वी एज अ फैमिली वर बिग फैन ऑफ यू एंड इट्स एन ऑनर टू मीट यू टुडे। थैंक यू, आप आए हो यहां पे। थैंक यू। कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ? डू यू माइंड ओवर हियर? सो गाइस, यहाँ पर मुझे अपनी वीडियो आज की ख़त्म करनी होगी। सो इट वॉज़ अ रियली नाइस सीइंग मिस्टर यूनिस खान। बहुत ही हम्बल पर्सन है, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। बहुत अच्छा मौका मिला उनसे करीब से बात करने का, उनको करीब से देखने का। और यहाँ पर और भी दूसरे क्रिकेटर्स से बात हुई क्रिकेट के हवाले से कि यूएस और कनाडा में क्रिकेट किस तरह से डेवलप हो रही है। सो थैंक यू शाहिद भाई एंड थैंक यू सबत भाई फॉर इन्वाइटिंग मी. They are the one who organized this Diversity Cup. They've been organizing this tournament from last 17 years. So thank you so much giving me opportunity coming over here and seeing so many good players. यहाँ पर Pakistan, India, Oman, West Indies और सोने पे सुहागा यूनुस भाई से मुलाकात हुई। सो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। आई नो ये वीडियो ज़रा लंबी होगी, प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगली दफ़ा किसी और नई जगह पे किसी और एडवेंचर के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।